गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ब्लैक बोर्ड पे कुछ चित्र बना हुआ है, तुमको आना है और उसमें क्या करना है, रंग भरना है। ठीक है, जिसको बुलाएंगे वो आएगा और ब्लैक बोर्ड पे बने हुए चित्रों में रंग भरेगा। तो सबसे पहले रेहान खड़े हो जाओ, आओ देखो ब्लैक बोर्ड पे चित्र बना हुआ है ना। सबसे किनारे कौन सा चित्र है, क्या है वो, क्या है? सेव। अब बताओ सेव किस रंग का होता है? लाल रंग का। अब वहां से उठाओ लाल रंग का चाकू, उठाओ। हाँ, अब उसको कलर करो सेव को। वेरी गुड, देखो रेहान कितने अच्छे से कलर कर रहा है सेव को। बहुत अच्छे रेहान। चलो बहुत अच्छे हो गया, देखो रेहान ने कितने अच्छे से कलर किया है सेब को। क्लैपिंग करो सब लोग। चलो रेहान अपनी जगह पे बैठ जाओ। आकांक्षा तुम खड़ी हो जाओ, आओ। अब बताओ सेब के बगल में कौन सा चित्र है, क्या है? सेब के बगल में क्या बना हुआ है? बैगन। क्या है? अब ये बताओ बैगन फल है कि सब्जी है? सब्जी है। बैगन की सब्जी बनती है ना। बैगन किस रंग का होता है? बैगन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। अब देखो यहां बैगनी कलर का चाक है, उठाओ और बैगन को कलर करो। वेरी गुड, देखो आकांक्षा कितने अच्छे से कलर कर रही है, बहुत बढ़िया आकांक्षा। वेरी गुड, क्लैपिंग करो सब लोग। ये देखो बैगन कितना अच्छा लग रहा है कलर होने के बाद। बैगन इसी कलर का होता है ना? किस कलर का होता है बैगन? बैगनी। अब इसके बाद कौन आएगा? चलो युवराज तुम आ जाओ, तुम बताओ बैगन के बगल में क्या बना हुआ है? बैगन के बगल में क्या बना है? क्या है? कमल। कमल किस रंग का होता है? लाल रंग का। वहां से लाल रंग का चाक उठाओ। चलो अब कमल को तुम कलर करो। वो लाल रंग का चाक है, वो लाल रंग है। हाँ वो लाल रंग है। बहुत अच्छे, चलो जब तक ये कलर कर रहा है तुम लोग कुछ प्रश्नों के जवाब दो। रेहान खड़े हो जाओ, तुम्हारे पीछे ये बताओ लाल रंग कहाँ है? वेरी गुड। विमांस खड़े हो जाओ, तुम बताओ पीला रंग कहाँ है? कौन सा रंग है वो? पीला। और उसके नीचे कौन सा रंग है? हरा। अरे बहुत अच्छा, विमांस को देखो कितना अच्छा पता है। हो गया, रुको रुको रुको, अभी बताओ कमल की पत्ती किस रंग की होती है? हरे रंग की। हाँ उसको भी कलर कर दो। वेरी गुड,
देखो युवराज भी बहुत अच्छे से कलर कर रहा है। तुम लोग जानते हो हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? क्या है? कमल है। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। और राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जिलेबी। खाए हो? कैसा होता है जिलेबी? मीठा होता है। देखो युवराज किस चीज को कलर कर रहा है? राष्ट्रीय फल को कि राष्ट्रीय फूल को? राष्ट्रीय फूल को कलर कर रहा है ये। चलो बहुत अच्छे, क्लैपिंग करो सब लोग। बस अब बताओ क्या बचा हुआ है? आम। और क्या बचा है? झंडा। आम को कलर कौन करेगा? अंश। अंश आ जाओ तुम। चलो अंश, आम किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। बहुत अच्छे, वहां से पीला चाकू उठाओ। चलो कलर करो। बहुत अच्छे से कलर कर रहा है अंश। वेरी गुड। बहुत अच्छे अंश। आम तो हो गया। आम की पत्ती किस रंग की होती है? हरे रंग की। अब वहां से हरा चाक उठा लो। चलो पत्ती भी अब कलर कर दो। वेरी गुड, क्लैपिंग करो सब लोग। देखो कितना सुंदर लग रहा है अब। चलो आ जाओ। चलो ये बताओ अंश, ये बताओ ये हमारा जो झंडा है, झंडे में कितने रंग होते हैं? तीन। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग होता है। अब उसको कलर करो, सबसे ऊपर वाले को। हाँ वही है, करो उससे कलर। बहुत अच्छे, और थोड़ा मेहनत करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो हो गया। अब बताओ इसके बीच वाली पट्टी किस रंग की होती है? सफेद रंग की। बहुत अच्छे, अब सफेद रंग लाओ। अब बीच वाली पट्टी को कलर करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये बीच वाली पट्टी भी कलर हो गई ना। अब एक पट्टी और बची है ना नीचे, वो किस रंग की होती है? हरे रंग की होती है। अब हरा कलर लाओ। नहीं वो नहीं है। हाँ चलो उसको भी कलर कर दो। बहुत अच्छे। अब देखो सारे चित्र में रंग भर गया है कि नहीं? भर गया है ना। सबसे पहला तुम्हारा चित्र है सेव का। सेव किस रंग का होता है? लाल। उसके बगल में क्या है? बैगन। बैगन किस रंग का होता है? बैगनी।
उसके बगल में क्या है? कमल। कमल क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल किस रंग का होता है? कमल कई रंग के होते हैं, लेकिन इस चित्र में किस रंग का है? ये लाल रंग का। और उसकी पत्तियां किस रंग की हैं? हरे रंग की। उसके बगल में कौन सा फल है? आम। आम हमारा राष्ट्रीय फल होता है, ठीक है। और आम को क्या कहते हैं? फलों का राजा कहा जाता है। फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को। और उसके बगल में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में तीन पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर वाली पट्टी केसरिया रंग की होती है, उसके बाद बीच वाली पट्टी किस रंग की होती है? सफेद। और सबसे नीचे वाली पट्टी किस रंग की होती है? हरे रंग की होती है। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र बना होता है। चक्र बना है ना? चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां। चलो क्लैपिंग करो सब लोग।